तो इस वाले वीडियो में हम लोग पुणे के सारे कॉलेजेस को कवर करेंगे। मैं टोटल 35 कॉलेजेस लेके आया हूँ। इस साल जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स का स्कोर एज एक्सपेक्टेड नहीं आया पुणे के रेप्यूटेटेड कॉलेजेस से। ऐसा नहीं है कि इधर प्लेसमेंट नहीं होगा, यहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट नहीं है, यहाँ पे टीचिंग प्रोफेशन अच्छा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। देन उसके बाद नेक्स्ट कॉलेज जो है जेएसपीएम जयंतराव सावंत कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, इसका जो कट ऑफ था वो 90.52% है। अभी जिनका स्कोर जो है 60 बिलो है उन सभी स्टूडेंट्स को ये सारे कॉलेजेस में डीवाई पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है। सो हाई एवरीवन, दिस इज समीर। आज से आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं एक न्यू सीरीज लॉन्च करने जा रहा हूँ। इस सीरीज में आप सभी स्टूडेंट्स को महाराष्ट्र के सारे कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। सारे कॉलेजेस का कट ऑफ क्या होता है, प्लेसमेंट क्या है वहाँ का, वहाँ की फीस स्ट्रक्चर क्या है, जितनी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन हो सकती है सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस चैनल के थ्रू प्रोवाइड करने वाला हूँ। इसके बाद के जितने भी वीडियोज होने वाले सारे के सारे काफी इंपॉर्टेंट वीडियोज होने वाले आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियोज एंड आपके कॉलेज सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये सारे वीडियोस काफी इंपॉर्टेंट होने वाले। काफी सारे स्टूडेंट्स को पूरे कॉलेजेस के बारे में नहीं पता होता है। इस सीरीज में जो आप सभी स्टूडेंट्स को सारे कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, तो आप मेक श्योर कीजिए कि आपने चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब किया है ताकि आपके नेक्स्ट वीडियोज को मिस आउट ना करो एंड जो भी मैं आपको वीडियोज अपलोड कर रहा हूँ वो सारे वीडियोज आप तक पहुंचे। देखो इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स को मैं ऐसे बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आपके लो मार्क्स भी है तभी भी आपको इन सभी कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है। इस साल जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स का स्कोर एज एक्सपेक्टेड नहीं आया। बहुत सारे स्टूडेंट्स की एक्सपेक्टेशन थी कि उनका स्कोर 100 क्रॉस हो सकता है, उनका स्कोर जो है 60-70 आया। जिनको एक्सपेक्टेशन थी 130-140 मार्क्स की, उनका स्कोर जो है 75-80 मार्क्स आया। काफी सारे स्टूडेंट्स का स्कोर 50 से लेकर 100 इस रेंज में लाइव करता है। मोर देन 80% स्टूडेंट्स का स्कोर जो है 50 से लेकर 100 इस रेंज में लाइव करता है। इन सभी स्टूडेंट्स को भी जो है सीएसआईटी में ही एडमिशन चाहिए, वो भी पुणे लोकेशन में चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से कॉलेजेस पुणे में, जो ऐसे कौन कौन से कॉलेजेस है जो लो परसेंटाइल पे, लो मार्क्स पे भी जो है आपको वहां पे एडमिशन मिल सकता है, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स को पर्सनल काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहता हूँ। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, इवन ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स भी हैं जिनको पूरे महाराष्ट्र के पूरे कॉलेजेस के बारे में नहीं पता होता है। अराउंड 350 कॉलेजेस है। अगर मैं आप सभी स्टूडेंट्स में से किसी को भी मैं पूछूं कि आपको कितने कॉलेजेस के नेम पता है, मैक्स टू मैक्स जो आप 8 से 10 कॉलेजेस के बारे में बताओगे, वो भी जितने के जितने कॉलेजेस के नेम बताओगे सारे के सारे टॉप कॉलेजेस रहेंगे, जिनके 99 अबोव कट ऑफ जाता होगा, जिनका 95 अबोव कट ऑफ जाता होगा, उन सभी कॉलेजेस के नेम पता होंगे। PIC COEP, VJTI, SPIT, वालचंद, ये सारे कॉलेजेस के नेम पता होंगे। लेकिन जिनका स्कोर 100 बिलो आया उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ऐसे कौन कौन से कॉलेजेस अवेलेबल है, ऐसे बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस कौन कौन से अवेलेबल है पुणे में, मुंबई में, वो सारे कॉलेजेस की इंफॉर्मेशन ना ही स्टूडेंट्स को पता होती है ना ही पेरेंट्स को पता होती है। इसीलिए जो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मैंने पर्सनल काउंसलिंग लॉन्च की है ताकि आप सभी स्टूडेंट्स को एक बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज की लिस्ट, एक बेस्ट पर्सनलाइज इंजीनियरिंग कॉलेज की लिस्ट आप सभी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाए, जहां पे आपके कैटेगरी के हिसाब से, आपके रैंक के हिसाब से, आपके परसेंटाइल के हिसाब से, ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रख के एक बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज की लिस्ट आपको प्रोवाइड की जाएगी। इतना ही नहीं, इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, आप यहां पे देख सकते हो। ऑप्शन फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड मीटिंग्स कंडक्ट की जाएगी, आपका जब कैप राउंड स्टार्ट होगा तो उसका फॉर्म कैसे फिल किया जाता है, बेटरमेंट के लिए कैसे अप्लाई किया जाता है, देन कैप राउंड 2 के लिए कैसे कॉलेजेस को फिल करना है, ऐसे बहुत सारा एंटायर प्रोसेस होता है। 2 मंथ की जर्नी है, ये 2 मंथ का पूरा जो है सेशन होता है। यहां पे आप सभी स्टूडेंट्स को पूरी कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस की जो है गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है पर्सनल काउंसलिंग के लिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी स्टूडेंट्स को लिंक्स दी गई है, वहां पे स्टेप्स भी दिए गए हैं कि आपको कैसे एनरोल करना है। राइजिंग एजुकेशन ऐप के थ्रू आपको एनरोल करना है, उसके बाद आप सभी स्टूडेंट्स को रात में 2-3 बजे तक आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो अभी सबसे पहला जो कॉलेज है दैट इज मॉडर्न एजुकेशन सोसाइटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे। देखो अभी यहाँ पे जो भी कॉलेजेस, अभी जो स्टार्टिंग के कॉलेजेस होंगे उनका कट ऑफ जो है 92-91, ऐसे हम लोग जो है 92 से लेकर लो कॉलेजेस तक हम लोग 70% तक जाएंगे। देखो जिसका स्कोर 50 से लेके 100 इस रेंज में आ रहा है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये सारे कॉलेजेस बेस्ट है, पुणे के रेप्यूटेटेड कॉलेजेस है। ऐसा नहीं है कि इधर प्लेसमेंट नहीं होगा, यहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट नहीं है, यहाँ पे टीचिंग प्रोफेशंस अच्छा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। जितने सारे कॉलेजेस आप सभी स्टूडेंट्स के लिए रिसर्च करके मैंने लेके आया वो सभी कॉलेजेस रेप्यूटेटेड कॉलेजेस है, वहां का एवरेज प्लेसमेंट भी काफी अच्छा है, वहां पे टीचिंग प्रोफेशंस भी काफी अच्छे। तो पहला कॉलेज जो है वो मॉडर्न एजुकेशन सोसाइटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, इसका कट ऑफ जो है 92% गया एंड इसकी रैंक जो थी वो 13,058 थी, क्लोजिंग रैंक थी ये, कैप राउंड 1 का रैंक है। और ये जो रैंक दी गई है सीएस का कट ऑफ है। देखो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जो है हर एक कॉलेज का सीएस का ही जाता है एंड इसके बाद जो भी ब्रांचेस होते हैं उनका
एज कम्पेयर टू सी एस उनके कट ऑफ जो है कम ही होते हैं। अभी मॉडर्न कॉलेज का जो कट ऑफ था वो 92 गया एंड आईटी वगैरह का कट ऑफ जो है सेम कॉलेज का कम जाएगा, तो इसलिए मैंने जो हाईएस्ट कट ऑफ है उसी को प्रिफरेंस दिया है। ये लोकेशन जो है पुणे के कॉलेजेस। इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स को मैं सारे पुणे के कॉलेजेस ही बताऊंगा, बिकॉज मोस्टली जितने भी सारे स्टूडेंट्स है वो पुणे और मुंबई रीजन के कॉलेजेस ही सिलेक्ट करते हैं। तो इस वाले वीडियो में हम लोग पुणे के सारे कॉलेजेस को कवर करेंगे। मैं टोटल 35 कॉलेजेस लेके आया हूँ। वीडियो को प्लीज पूरा एंड तक देखना, पूरी आपको एक लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी, वो लिस्ट का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बहुत सारे कॉलेजेस है, सारी कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करने वाला हूं, तो प्लीज जितने भी वीडियोस आते हैं उसको एंड तक जरूर देखा करो। सेकंड जो कॉलेज है दैट इज विद्या प्रतिष्ठान कमल नायन बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, बारामती का एक कॉलेज है जिसका कट ऑफ 91.47% था एंड क्लोजिंग रैंक देख सकते हो आप 15,890। नेक्स्ट कॉलेज की अगर हम बात करें दैट इज जीएस रायसोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट वागोली। ये भी कॉलेज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है, रेप्यूटेटेड कॉलेज है। यहाँ का कैंपस देखो, यहाँ पे जितने सारे कॉलेजेस मैंने लिए इन सभी कॉलेजेस का एवरेज पैकेज जो है 4-5 lakhs का। देखो अगर आप सीएसआईटी में एडमिशन ले रहे हो तो ऐसा हाईएस्ट पैकेज जो है उसकी कोई लिमिट ही नहीं है, आप 40-50 lakhs का भी पैकेज क्रैक कर सकते हो, ऑफ कैंपस के लिए भी ट्राई कर सकते हो, उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। एवरेज पैकेज जो है कॉलेजेस का 4-5 lakhs का है, ये डिसेंट पैकेज है। हर एक कॉलेज में इतना तो मिलता ही है, सीएसआईटी ब्रांच वालों को इतना तो मिलता ही है एंड ये जितने सारे कॉलेजेस मैंने लिए इन सभी कॉलेजेस का एवरेज पैकेज जो है 4-5 lakhs है ही सीएसआईटी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट कॉलेज की अगर हम बात करें दैट इज सीएनगर टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी काशीबाई नॉले कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग वड़गांव का कॉलेज है ये। इसका कट ऑफ जो था वो 90.39% था एंड क्लोजिंग रैंक जो थी 17,806 थी। देन उसके बाद नेक्स्ट कॉलेज जो है जेएसपीएम जयंतराव सावंत कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, इसका जो कट ऑफ था वो 90.52% था। देन क्लोजिंग रैंक की अगर बात करें तो 17,639 पे यहाँ पे एडमिशन क्लोज हो गए थे। ये जो सारे कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में, ये सारे के सारे सीएस के कट ऑफ है एंड ये फर्स्ट कैप राउंड के कट ऑफ है, लास्ट ईयर 2020-22 के फर्स्ट कैप राउंड के कट ऑफ है। कैप राउंड 2 कैप राउंड 3 में जो है थोड़ा सा डिक्रीमेंट हो जाता है, कट ऑफ में जो है थोड़ा सा डिक्रीमेंट हो जाता है, एक एक परसेंटाइल का डिक्रीमेंट नहीं होता है, बस रैंक में थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, 2-3 हजार रैंक जो है डिक्रीज हो जाती है, 2-3 हजार का रैंक का डिक्रीमेंट हो जाता है, ठीक है, सेकंड कैप राउंड थर्ड कैप राउंड में। देन उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा कॉलेज है, काफी लंबा नाम है इस कॉलेज का, नूतन महाराष्ट्र विद्या प्रशासक मंडल नूतन महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी तलेगांव स्टेशन पुणे। इसका क्लोजिंग रैंक जो था वो 18,775 था एंड कट ऑफ जो था 89.91%, ठीक है। इसके बाद जो सेवेंथ नंबर पे हमारा कॉलेज है दैट इज जेएसपीएम इंपीरियल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रिसर्च वागोली। देखो जेएसपीएम के काफी सारे कॉलेजेस हैं, ये वागोली का कॉलेज है, ये भी अच्छा कॉलेज है, यहाँ पे भी जो है काफी अच्छे प्लेसमेंट्स होते हैं। इसका जो कट ऑफ गया वो 89.05% एंड क्लोजिंग रैंक जो थी वो 20,335 गया है। देन उसके बाद जो है टीएसएसएम कॉलेज वसंत दाता पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बावधान का ये कॉलेज है, क्लोजिंग रैंक जो थी वो 88.79% था एंड 20,803 इसका क्लोजिंग रैंक था फर्स्ट कैप राउंड के लिए। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉलेज आता है दैट इज जेएसपीएम नरे टेक्निकल कैंपस। देखो सेम नेम के जो है काफी सारे डिफरेंट कैंपस के आपको कॉलेज देखने को मिलेंगे। देखो इसमें काफी सारे स्टूडेंट्स से गलतियां भी हो जाती है, डीवाई पाटिल के भी काफी सारे कॉलेजेस है, जेएसपीएम के काफी सारे कॉलेजेस है, जीएस रायसोनी के काफी सारे कॉलेजेस है, सीएनगढ़ के काफी सारे कॉलेजेस है। ये सारे कॉलेजेस के नेम जो है सिमिलर ही है लेकिन इनके कैंपस डिफरेंट है और सभी डिफरेंट कॉलेजेस के जो है डिफरेंट प्लेसमेंट्स है, डिफरेंट फीस स्ट्रक्चर्स है, ऐसे आपको बहुत ध्यान से जो है कॉलेज को सिलेक्ट करना होता है। इसीलिए जो है सारे कॉलेजेस के नेम से पहले मैंने कॉलेज कोड भी दिया है ताकि आप जो है कॉलेजेस सिलेक्ट करते समय कॉलेज कोड को सिलेक्ट करें एंड उसमें आप सभी स्टूडेंट से कुछ एरर ना हो, कुछ गलतियां ना हो। ये इसका जो कट ऑफ था वो 89.27 था एंड जो क्लोजिंग रैंक थी 19,917 था। देन उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलेज है 10 नंबर पे दैट इज इंदिरा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पुणे। ये इसका जो परसेंटाइल था, इसका जो कट ऑफ था वो 86.87% था एंड 24,429 इसकी क्लोजिंग रैंक थी। अभी मैं आप सभी स्टूडेंट्स को और सारे कॉलेजेस बताता हूँ, टोटल 35 कॉलेजेस मैंने लिए, सो आपको स्क्रीन पे विजिबल होंगे सारे कॉलेजेस के नेम। यहाँ पे हम लोग ने स्टार्टिंग के सारे कॉलेजेस को कवर कर लिया है, उसके बाद के जितने भी सारे कॉलेजेस हैं यहाँ पे आप देख सकते हो, अजिंक्य डीवाई पाटिल स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, इसका कट ऑफ 87 गया एंड रैंक जो थी क्लोजिंग रैंक 23,318। उसके बाद NBN सीएनगढ़ टेक्निकल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंपस, सीएनगढ़ टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी, इंदिरा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ISBM कॉलेज, देन उसके बाद बीवराव सावंत कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च नरे, सीएनगढ़ एकेडमी, जील कॉलेज, रसिकलाल
कॉलेज, आनंद राव केजी ट्रिनिटी कॉलेज, इसका कट ऑफ देख सकते हो 83% है। देखो जिनका स्कोर 50 से लेके 100 इस रेंज में आ रहा है उन सभी स्टूडेंट्स को ये सारे कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल सकता है। यहाँ पे देखो 71% तक सारे कॉलेजेस को मैंने कवर किए। देखो जिनका स्कोर 80-90 अबव आ रहा है, जिनको मैंने स्टार्टिंग के जो कॉलेजेस बताए उन सभी कॉलेजेस में उनके CSIT मिलने के चांसेस ज्यादा है। अभी जिनका स्कोर जो है 60 बिलो है उन सभी स्टूडेंट्स को ये सारे कॉलेजेस में डीवाई पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड तलेगांव का ये कॉलेज है ये कॉलेज मिल सकता है, यूनिवर्सल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च ये कॉलेज मिल सकता है। अब ये जो नीचे के जो ये कॉलेजेस है जिनका स्कोर जो है 71% 72 है, अब यहाँ पे जो है एवरेज प्लेसमेंट थोड़ा सा कम है। देखो कुछ ना कुछ आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर आप CSIT में एडमिशन ले रहे हो तो डेफिनेटली आपको साइड हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा। अगर आपको एक अच्छी प्लेसमेंट लेनी है, अच्छी एक जॉब लेनी है, तो आपको जो है स्किल पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, आपको कॉलेज के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। अब यहाँ जिनके कम मार्क्स आए उनके लिए देखो ये सभी कॉलेजेस अवेलेबल है। तो ये टोटल अराउंड मैंने 35 कॉलेजेस बताए। अभी नेक्स्ट वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स को कौन से रीजन के कॉलेज चाहिए आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, उस रीजन के कॉलेजेस को हम लोग कवर करने वाले। आप सभी स्टूडेंट्स के मिले नेक्स्ट वीडियो में सारे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस को मैं कवर करने वाला हूँ। फिर भी आप कमेंट सेक्शन में बताओ कौन से रीजन के कॉलेजेस चाहिए, वो कॉलेजेस के ऊपर जो है मैं बहुत जल्दी वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड करने वाला हूँ। और जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि आपको एक बेस्ट पर्सनलाइज कॉलेज की लिस्ट प्रोवाइड की जाए तो आप पर्सनल काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हो। जैसे ही आपके रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएंगे आप सभी स्टूडेंट्स को कॉलेज की लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी। आपको मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ऐसे कॉलेजेस भी बताऊंगा जहां पे आपके एडमिशन होने के चांसेस रहेंगे एंड एक बार आपको जो है उस कॉलेज में एक बार विजिट देना है ताकि आपको जो है कॉलेज का एनवायरमेंट कैसा है, वहां का कैंपस कैसा है, वहां का टीचिंग प्रोफेशन कैसा है, ये सब कुछ जो है एक बार आपको पता चल सके। तो जितना जल्दी हो सकता है आप एनरोल कर लीजिए। अगर आपको कुछ भी डाउट्स होते हैं तो आप ये दो नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, उसके बाद आप एनरोल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी डिटेल्स दी गई है कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, सब कुछ आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। आई होप आज का वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स को अच्छा लगा होगा, ये सीरीज आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक जरूर करना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।